मास्टर सुशील बमणिया SC ST OBC एकता मिशन का संस्थापक एवं अध्यक्ष आपके बीच जनपद मेरठ के जो जिला अध्यक्ष सुषमा रानी जी हैं, इनके अवगत करने पर आवेदन करने पर आपके इस गांव में अपने समाज में आने का मुझे शुभ अवसर जो दिया है आपका बहुत बहुत आभार। ये मिशन आपका अपना परिवार है, जब हमारा परिवार है तो हमें दूसरे के परिवार की तरफ को नहीं देखना। हमें अपने परिवार की संख्या को इतना बढ़ाना चाहिए, इतना बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा समाज कहीं सोता ना रह जाए। यह मिशन हम सबको एक जागरूक करने का कार्य कर रहा है। आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी समस्याओं को इकट्ठा करके वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य इस मिशन के कार्यकर्ता, समस्त कर्मठ कार्यकर्ता आपके मिशन में जूझ रहे हैं और लग रहे हैं। अभी प्रदेश के महामंत्री हमारे बड़े भाई मास्टर हरपाल सिंह जी ने बताया है। मैं अपना परिचय देते हुए बता दूं, मेरा नाम मास्टर हरपाल सिंह, 30 साल शिक्षा विभाग में सेवा कार्य करने के पश्चात इस मिशन में, सामाजिक मिशन है यह, राजनीतिक मिशन नहीं है, इस मिशन में सेवा कर रहा हूं। प्रदेश पर महामंत्री के पद पर कार्यरत हूं और मेरी बराबर में मिशन के जुझारू और कर्मठ संस्थापक और अध्यक्ष मास्टर सुशील कुमार बमनिया जी, जो रात दिन इस मिशन के लिए सहयोग की भावना से निरंतर प्रयासरत हैं और कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई है ना ट्रेन वंदे भारत, उसकी तरह जो है रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, जब भी हम इन्हें फोन करते हैं, जब भी कार्य में लगे हुए मिलते हैं। फिर भी आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर हमारे विचार से भाई लेना आयो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ये मिशन है SC ST एकता मिशन है, ये जो ये फोटो लगे हुए बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है इसके, इन्होंने ये काफी समय से चल रहा है, इसमें ये कर्मठ कार्यकर्ता है जो इस मिशन को आगे बढ़ा रही है और लोगों को नए नए तरीके की योजनाएं बता रही है। इस योजना में क्या होता है हम लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हम लोग हमें ये नहीं पता सरकार कौन सी योजना चला रही है, सरकार बहुत योजना चला रही है, लेकिन क्योंकि सब पता ही नहीं होता। जब हमें पता लगता है किसी प्रधान के द्वारा या किसी अन्य जागरूक व्यक्ति के द्वारा, तब तक उसका टाइम निकल जाता है तो हम पीछे रह जाते हैं। जब हमें पता ही नहीं होता, पता लगा तो वो डेट निकल गई जब हमने कागज इकट्ठा किया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये वोट के वजह से नहीं आ रही है, नहीं योजना ले, ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी से वोट किसी को भी दे सकते हैं, स्वतंत्र देश है, हर आदमी को अपनी वोट देने का पूरा अधिकार है, वो किसी को भी वोट दें। अब गए थे वहाँ पर, तीन समस्याएं हैं, गली के खड़ंजे नहीं है, किसी के छत नहीं है और प्लॉट नहीं है और बारात घर नहीं है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या हमारे पास रोजगार नहीं। अच्छा, रोजगार नहीं, पढ़ी लिखी कितनी आप? मैंने इंटर कर रखा है और आई टी आई। अच्छा अच्छा, फिर भी आपके पास रोजगार नहीं है? मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती, बच्चों को छोड़ कर, मेरी तीन लड़की। तो बारात आती है लड़की की, तो उसके रहने के लिए, टिकाने के लिए कोई जगह नहीं है। जगह तो है पर उसमें बना हुआ नहीं है, हम रोड पे टिकाते हैं। अच्छा, उसमें किसानों की ट्रोली आती है, गन्नों की ट्रोली आती है, वैसी ट्रोली आती है, तो वो बरात हटानी पड़ती है, तम जो टेंट वोट उखाड़ना पड़ता है, तो उसमें वहाँ से बनानी है। कुछ भी ना प्रधान सुनवाई करता, ना सरकार सुनवाई कर रही,
विधायक भी तेरे आते हैं, दिलासा देते हैं और भी चले जाते हैं। हमारी एकता, हमारी एकता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।